वसई विरार शहर महानगर पालिका में अक्सर आप देखते हैं बड़े बड़े कारनामे सामने आते हैं। हम जिस स्पॉट पे खड़े हैं यहाँ भी एक बड़ा कारनामा हुआ है। ये कारनामा अगर इस तरीके से कहा जाए कि महानगर पालिका जो है वो या उनके जो अधिकारी हैं ये टॉयलेट ही खा गए हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम लोग खड़े हैं वसई विरार के नाला सोपारा पूर्व के लिए, यहाँ पे एक लैंडमार्क है 5 रुपया वड़ा पाव का, जिसके बाद आप दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज एंड फील द कम्फर्ट, यूज एंड फील द कम्फर्ट। मैं आप जरा दिखाना चाहूंगा ये, इसके बाद देखिए ये कम्फर्ट क्या है। यहाँ पे देखिए ये लॉक लगा हुआ है, ये है महानगर पालिका का कम्फर्ट। 2020 के आसपास इस टॉयलेट सीट को बिठाया गया था, जिसके बाद ये आज पूरी तरह भंगार में परिवर्तित हो गया है। पूरा बजट लाखों रुपए का बजट महानगर पालिका इस टॉयलेट के ई टॉयलेट के ऊपर बिठाया है, लेकिन बावजूद इसके ये कहीं भी पूरे शहर में वसई विरार में कहीं भी वर्किंग नहीं है। जो लोग यहाँ आसपास आते हैं उनके लिए बड़ी समस्या होती है टॉयलेट जाने की। अब आपको दिखाएंगे बगल में, यहाँ पे सड़क के बगल में है, आपको दिखा दूँ ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो यहाँ गाड़ियों के आसपास लोगों को बाथरूम जाना पड़ता है रात में, खास करके जेंट्स के लिए, और लेडीज़ के लिए कोई सुविधा कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरीके का जो टॉयलेट है आप देखिए, ये टॉयलेट खाली ढांचा खड़ा किया गया, उसके बाद आज तक यहाँ कोई भी व्यक्ति पूछने के लिए नहीं आया। महानगर पालिका की तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधा यहाँ नहीं दी गई है। ये बताइए इस तरीके के टॉयलेट जो महानगर पालिका ने बिठाए हैं, बावजूद इसके आज काम नहीं कर रहा है, खाली नाम के लिए टॉयलेट है, कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता है या नहीं मिलता है तो फिर घर का रास्ता ढूंढना पड़ता है। अरे तो उसको यूज करना चाहिए ना, सरकार का गलती है ना कि वैसा जो कि गलत कर रहे हैं। ये जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, हैंड वॉश स्टेशन जैसे जो नुकसान हुए हैं, ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ये पूरी तरह से जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हमारे साथ एक जागरूक नागरिक हम बात करेंगे। नीलेश जी बताइए, महानगर पालिका का आज से नहीं वर्षों से ये गोरख धंधे चल रहे हैं। ये ई टॉयलेट 2019-20 के आसपास बनाए गए थे, लाखों रुपया खर्च करके ये टॉयलेट बनाए गए थे। आप देख सकते हैं इसका हाल, देखो करोड़ों रुपये लाखों रुपये जनता के ऐसे ही वेस्ट हुए। और कोरोना काल के अंदर भी जो सैनिटाइजर के लिए नल बिठाए गए थे, आप देख सकते हैं कोई भी नल चालू नहीं है, और उसमें भी करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, और इसमें भी करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, यूज नहीं हुआ, और पैसे अपने जनता के पैसे जो मेहनत के और टैक्स स्वरूप वसूल करके ऐसे बर्बाद किए जाते हैं, आप देख सकते हैं। टॉयलेट नहीं है, हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, लंबा जाना पड़ता है। लंबा यहाँ से कितनी दूर है कोई भी एक टॉयलेट, जो आप अगर दुकानदार है दुकान छोड़ के कितना टाइम के लिए जा सकते हैं? 5 मिनट की दूरी पे यहाँ से है टॉयलेट। अच्छा, ये टॉयलेट अगर चालू होता तो कैसा होता? तो अच्छा रहता, नजदीक पड़ता सबको आने का। अच्छा, तो ये बंद है, कब से बंद है? जब से बना है तब से बंद है। सन 2020 के आसपास बना था। अच्छा, क्या कहेंगे आप इसको? कोई आया था इसमें ताला भी लगाया, किसने लगाया ताला? कभी एक आध दिन चालू हुआ था ये कभी की नहीं? जब से बना है वैसे ही बंद है। जब से बना है तब से बंद है, मतलब चालू क्यों किया गया, लगाया क्यों गया, ये बड़ा सवाल है। इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ, वो क्यों हुआ? जिस तरीके से टॉयलेट जो बने हुए थे इसके, ऐसे ही कोरोना काल में हैंड वॉश भी बने थे, लेकिन ये सारे हैंड वॉश सेंटर सारे आज भी निष्क्रिय हैं। मतलब जनता के पैसों का कैसे दुरुपयोग किया जाता है, और साफ तो ऐसा लगता है कि इसमें ऐसा देखने को ऐसा लग रहा है कि ये खाली पैसों की बजट पास करके उससे कमीशन निकालने की प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया बार बार वसई विरार में दोहराई जा रही है। क्या नाम है आपका? मुकेश जी, क्या कहेंगे इसके? तो सर हम यही कहेंगे कि ये तो बहुत गलत कर रहे हैं महानगर पालिका वाले, क्योंकि यहाँ स्वयं सुविधा के लिए किसी को भी व्यक्ति को जाना आना रहता है, इमरजेंसी के लिए जो चीज़ बना हुई उसको यूज वाली होना चाहिए। जनता का लाखों रुपया लगा इसमें, जनता का लाखों रुपया, तो उसको समझना, जो आप और लोग टैक्स देते हैं उसी टैक्स से बनता है ये, तो ये पैसे की बर्बादी पे क्या कहेंगे महानगर पालिका कर्मचारी अधिकारी? पालिका को सर यही बोलेंगे कि तो वो लोग गलत कर रहे हैं जनता के साथ, उनकी लापरवाही चल रही है, तो उनको कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। क्या नाम है आपका? राकेश यादव है। राकेश जी, ये महानगर पालिका के इस पे क्या कहेंगे? सर ये सब जो बना हुआ है हमारे आपके टैक्स के बना हुआ है, ये हमेशा खुला रहना चाहिए। यहाँ बाथरूम एक भी नहीं है, या स्टेशन पे जाओ, मैं दुकानदार हूँ, कोई सेल्स में आता बोलता है पेशाब कहाँ करूँ, वो तो आपको स्टेशन जाना पड़ेगा, यहाँ कहीं बिल्डिंग नहीं हलने, सोसाइटी के अंदर हलने नहीं देंगे बेचारे, इसके बाद क्या करते हैं आप वो समझे। और ठीक है, पब्लिक तो कहीं भी कर सकती है, जैसे लेडीज़ बेचारी क्या करेंगी, वो कहाँ जाएंगी, वो किससे पूछने आएंगी कि हमको एक लेटरिन लगा, कुछ भी लगा,
यही तकरीब इसको खुला रहना चाहिए और हर एक किलोमीटर के अंदर दो रहना चाहिए कम से कम है। हाँ, इतनी जनसंख्या है। हाँ, जैसे मुंबई में हर जगह पे देखो तो आपको लेटरिन बाथरूम बीएमसी का मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं था करना। इसका एक किलोमीटर दो रहना ही चाहिए नाके पे कि हाँ भाई आप उधर जाओ, आप कर सकते हल्का हो सकते, एक खुला रहना चाहिए। तो जो मुंबई सुविधा वो सुविधा हमको यहाँ नहीं मिल पा रहा है आम जनता को। अगर ब्रिज के नीचे का कोई गुटका या पान कोई चूप भी दे रहे 200 रुपया फाइन मार दे रहे, इसके लिए पब्लिक क्या करेगी यार, पेंड में करेगी नहीं, कहीं ना कहीं ना कहीं एडजस्ट करना ही पड़ेगा। बस यही मैं कहना इसको खुला रहना चाहिए बस। तो ये जो टॉयलेट ई टॉयलेट बिठाया गया इसका उपयोग कभी कर पाए आप लोग? अभी तक कभी नहीं, एक भी एक बार भी नहीं। ऐसे बाहर ही मार देते, उसी में और क्या करें, बाहर ही मार देते हैं, यहाँ अंदर नहीं जाने का ताला लगा है उसमें। ताला लगा